हमेशा सीखते रहना। जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लैब ग्रोन डायमंड्स को सेल करके करोड़ों रुपए कमा लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ज्वेल बॉक्स के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2022 में दो भाई बहन विदिता कोचर और निपुण कोचर ने की थी। ज्वेल बॉक्स एक कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड है जो कि लैब ग्रोन डायमंड से फाइन ज्वेलरी बनाकर उसको सेल करता है। लैब ग्रोन डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं जिन्हें लैब्स में बनाया जाता है, और ये डायमंड्स फिजिकली, केमिकली और ऑप्टिकली नेचुरल डायमंड्स की तरह आइडेंटिकल होते हैं। साथ ही इन डायमंड्स की शाइन, हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी नेचुरल डायमंड्स की तरह होती है। लैब ग्रोन डायमंड्स 80% लेस कॉस्ट करते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। ज्वेल बॉक्स अपनी वेबसाइट और अपने एक्सपीरियंशियल स्टोर्स के थ्रू ज्वेलरी सेल करता है, और साथ ही इनकी ज्वेलरी सर्टिफाइड और हॉलमार्क्ड है। इस स्टार्टअप ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 3.8 करोड़ की सेल्स की थी। ये स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में आया था, और इसमें इन्वेस्ट राधिका गुप्ता, रितेश अग्रवाल, अमन गुप्ता, विनीता सिंह और पीयूष बंसल ने किया है। दोस्तों, ये थी कहानी ज्वेल बॉक्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाय, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।